Hey guys, welcome back to अंदर एपिसोड ऑफ मूवीज पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2038 प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं। आखिर ये ऐसी कैसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप जो फोन पकड़े हैं, ये भी चलना बंद हो जाएंगे 2038 में अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही साथ ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं। तो अब जब इधर उधर की बातें हो गई हैं, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं 2038 प्रॉब्लम के बारे में। हमारे मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स में 32 बिट टाइम कोडिंग यूज करी जाती है, और टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमें पिक्चर बुक करनी है तो हमें टाइम देखना पड़ेगा, हमें कुछ और काम करना है तो हमें उसमें टाइम सेट करना पड़ता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कोई भी फाइल हम लोग सेव करते हैं तो वो डेट टाइम के साथ सेव होती है, तो हमारे कंप्यूटर को पता होता है कि इस टाइम पे कितना बज रहा है। तो इसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग होती है वो 32 बिट यूनिक्स कोडिंग में करी जाती है, और 32 बिट यूनिक्स में जो टाइम काउंट होता है वो 1970 से काउंट होता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर टाइम काउंट करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट करा गया जो कि है 00000 UTC, और ये 00 कब हो रहा था 1970 में। अब जब जनवरी 1938 में 3:17 पे जो UTC टाइम है हमारा जो कंप्यूटर काउंट कर रहा है वो हो जाएगा 999999, तो फिर उसके एक सेकंड बाद वो फिर से रीसेट हो जाएगा, मतलब वो 99 के बाद अब आगे तो डिस्प्ले कर नहीं सकता है, वो शो करेगा 00000। उस वक्त हमारे सारे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रैश हो जाएंगी, 32 बिट यूनिक्स के ऊपर काम कर रही है वो सारी क्रैश हो जाएंगी, हमारे GPS सिस्टम्स, हमारे कार, हमारे फोन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारी क्रैश कर जाएंगे। फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, कोई भी सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम, सब क्रैश कर जाएगा अगर हमने इसका कोई अभी से सॉल्यूशन नहीं निकाला, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 1970 है कि या फिर ये 2038 है। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, मतलब एक ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन अब आप कहोगे एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर अपडेट देख के हम ये प्रोग्रामिंग सही कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सही कर सकते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इस टाइम पे वो 32 बिट पे काम कर रहे हैं, और 32 बिट की जो मैक्सिमम काउंट करने की लिमिट होगी वो 2038 में खत्म हो जाएगी, मतलब उसके बाद और वो काउंट नहीं कर सकता है। तो फिर इसका एक सबसे सिंपल ऑप्शन है कि हम सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 64 बिट पे अपग्रेड कर लें। लेकिन आपके पास जो पुराना लैपटॉप है या पुराना फोन है जो 32 बिट पे काम कर रहा है वो 2038 के बाद चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, वो मैक्सिमम जितना काउंट कर सकता था उतना उसने काउंट कर लिया है। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है सिवाय हमारे 32 बिट के कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 64 बिट पे अपग्रेड करने के अलावा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मूवीज़ पर।